हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरजे गेमिंग ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त आरजे, और आज मैं एक न्यू चैलेंज करने वाला हूं फ्री फायर बैटल ग्राउंड में। आज हम खेलने वाले हैं फ्री फायर, वही जो है हमारा वेक्टर चैलेंज। न्यू गन आया है, ये दोनों हाथ से पकड़ सकते हो। ये एक एसएमजी गन है, एसएमजी, ठीक है। इस गन में हम आज पूरा गेम प्ले करने वाले हैं। अगर वीडियो में नया हो तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना। न्यू मेरा बहुत सारे वीडियो है, उसको भी देख लेना। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये अतरंगी वाला वीडियो है। अगर चैनल में नया आए तो, अरे यार फिर से चिमकांडी गिरी। ओके स्टार्ट। वेलकम बैक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक बंदा देख लिया, उसको डैमेज दिया, पर मेरे दोस्त ने किल चोरी कर दिया, इसलिए मैं स्क्वाड नहीं खेलता हूँ। थोड़ा वीडियो को आगे देखते हैं कि क्या होता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा लिया क्योंकि बंदा थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर हम आए हैं पूछी नॉक में। यहाँ पर मैं थोड़ा लूट कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा चिमकांडी गिरी। पीछे एक बंदा लोकेशन दिखाई दे रहा है, फायरिंग कर रहा था। बंदा नहीं, पर मैं जानता हूँ ये गेम प्ले में आपको बोर दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं क्लासिक खेल रहा हूँ ना, इसीलिए ये गन ना मेरे को रैंक में नहीं मिला, इसलिए मैं क्लासिक में दिखा रहा हूँ आपको। अभी मेरा लूट हो गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अभी थोड़ा आगे गया फैक्ट्री के तरफ। यहाँ पर मेरे को दूरी में एक बंदा दिखाई दे रहा है, उसको हेड देने का कोशिश। ड्रैग, ये ओपी वाला, ओ भाई साहब ओपी वाला गन है एकदम। आप भी जरूर इसे यूज करना, बहुत MP40 को ये बीट दे देगा सही में। यहाँ पर मैंने थोड़ा लूट कर लिया और देखा कि बंदा आसपास है क्या, देख लेता हूँ ठीक है। हाँ अगर भाई लोग अगर चैनल में नए आए तो प्लीज़ मैं जैसे लाइक कर रहा हूँ उसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना हमारे फैमिली मेंबर होने के लिए। अभी मैं वीडियो को थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखाई दे रहा है, उसको ड्रैग देने का कोशिश, पर बॉडी शॉट लगा। ओ यहाँ पर बॉडी शॉट लगा कर उसको ख़त्म कर दिया बंदे को। एकदम ओपी वाला गन है सच्ची में भाई। ऐसे जहरीला गन अगर पहले तो मिल जाता तो बहुत मज़ा आता। यह गन भी मैंने पबजी में खेला है, पबजी में भी ऐसे टाइप का गन है। इसको आप लॉन्ग रेंज में, इतना भाई रेंज अच्छा नहीं है, लॉन्ग रेंज में प्लीज यूज मत करना। शॉर्ट रेंज फाइट के लिए ये सही गन है, एकदम ओपी वाला गन है। यहाँ पर हम लोग बीमा शक्ति के तरफ आ गए हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई बंदा होगा। जेल वाला बंदा मैंने अभी तक नहीं किल किया क्योंकि बोट आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर एक बोट है, इसको देखो एक हेड पड़ी और खलास भाई। इसमें ना ड्रैग अच्छा लगता है सच्ची में, ड्रैग बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम चलते हैं, देखते हैं आसपास और भी बंदा हो गए। थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को यहाँ पर एक गन का साउंड आया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं आकर, यहाँ पर गन का साउंड आ गया। देखो वहाँ पर लोकेशन भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगा कि यहाँ पर दो तीन बंदे होंगे, श्योर भाई मेरे को लगा कि दो तीन बंदे होंगे, स्क्वाड तो जरूर होंगे। जाकर देख लिया मैंने, वहाँ पर एक बंदी को मैंने देखा, लड़की के गेटअप पे आया है, लड़की का काम तमाम। क्या ओपी वाला हेड। अरे भाई सच्ची में भाई लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर वेक्टर गन कैसे यूज करते हैं मेरे को बता देना, मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। आप तो यूज कर सकते हो भाई, मेरे जो व्यूअर्स होते हैं ना वो सब समझदारी होते हैं, समझदार लोग ही ये सब कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पर मैंने और एक बंदे को किल कर दिया। यहाँ पर देखते हैं आगे भी बंदे होंगे होंगे होंगे। मैंने यहाँ पर तीन चार बंदे का, मेरे को लगा कि यहाँ पर तीन चार बंदे होंगे। मैंने देखा कि यहाँ पर, ये देखो दया भी आ गया, इसको भी ख़त्म करते हैं। हाय दया मार डाला। यहाँ पर भी एक ओपी वाला हेडशॉट, यहाँ पर भी काम तमा भाई। अगर ये रैंक में आ जाए ना, सच्ची में रैंक में बहुत खतरा किल होगा। इसमें एक डिसअपॉइंट है, अगर ये एनिमी के पास मिल जाएगा तो उनके लिए सही है, तुम्हारे लिए गलत है। अगर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा ना, तुम आराम से एक स्क्वाड को खत्म कर सकते हो। सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल कर दिखाऊंगा आपको, आगे वीडियो आ जाएगा सोलो वर्सेस स्क्वाड में, टेंशन मत लो। अभी ये वीडियो को एंजॉय करो ना। देखो भाई मैं ना शॉर्ट रेंज फाइट ज्यादा नहीं लेता हूँ, ये सही बात है। मुझे डर नहीं लगता है, मेरे को शॉर्ट रेंज फाइट इतना अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी मैं शॉर्ट रेंज फाइट लेता हूँ, पर लॉन्ग रेंज फाइट में ना मेरे को क्या होता है ना, वो
हेडशॉट देने में मजा आता है मेरे को, शॉर्ट रेंज फाइट में इतना अच्छा नहीं लगता जितना लॉन्ग रेंज में। एकदम ए डब्ल्यू एम मुझे कुछ स्नाइपिंग करना अच्छा लगता है, सच्ची में स्नाइपिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये शॉर्ट रेंज गन इतना भी अच्छा नहीं लगता, पर भाई यूज करना तो पड़ता है, कभी कभी शॉर्ट रेंज में भी बंदा आ जाता है। हाँ भाई लोग, मैंने एक बात नोटिस की है कि मेरे कमेंट में, एक वीडियो के कमेंट में मैंने देखा है, भाई डीजे आलोक दे दो, आलोक दे दो। भाई आलोक के ऊपर कोई डिपेंड मत रहो, सच्ची में। मैंने स्किल का वीडियो अपलोड किया है, प्लीज आप जरूर उसको देख लेना, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जरूर उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर कुछ भी जरूरत हो, कौन से कैरेक्टर अच्छा होता है भाई रैंक मैच में या क्लासिक में या क्लास स्क्वाड में, कोई भी कैरेक्टर आपका होता है ना समझ नहीं पाते हो, तो मेरे को कमेंट में बता दो। मैं इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर हम आराम से चैट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा कैरेक्टर आप लेना चाहते हो या नहीं, कौन सा कैरेक्टर लेने से अच्छा होता है। भाई डीजे आलोक में पूरा डिपेंड मत रहो, अपने स्किल के ऊपर डिपेंड रहो। अगर स्किल खराब है तो आप ट्रेनिंग मोड में 1 घंटा खेल सकते हो, उसमें बुरा क्या बात है। और आप 1 वर्सेस 1 भी कर सकते हो, वो कस्टम कार्ड, ठीक है। और भाई आलोक भाई, ऐसे भी तो मैं भी ज़्यादा डायमंड परचेज नहीं करता हूँ, अभी तो भी मैं डायमंड, मेरे पास 5 ही डायमंड है सच में, मेरा अकाउंट चेक कर लेना। डायमंड बहुत महीना हो गया, लगभग 6 महीना हो गया मैं डायमंड नहीं खरीदा हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट बीच में हैक हो गया था, हैकर ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया था, इसलिए बहुत समय हो गया बंदा नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि ऊपर देख सकते हैं अगर बंदा होगा, यहाँ पर एलिमिनेट बंदा हो गया, उसके बाद मैच बोया हो गया हमारे तरफ। मैंने 11 किल के साथ विक्टर गन से मैंने 11 किल कर दिया। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, और गुड बाय। The end, yeah.